आई हूँ प्राइमरी टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय अररिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने जाना एक गर्ल है जो अपने फैमिली के टू मेंबर से हमारी बात करा रही है, उसके बारे में हमें बता रही है। मीन्स एक है उनकी नानी, वो क्या है कि वो एजिड लेडी है और शी कैन नॉट सी प्रॉपरली एंड शी कैन नॉट लिसन प्रॉपरली। एंड वो है अपना जो वेजिटेबल वगैरह है बहुत अच्छा काट लेती है, और वो क्या कहती है कि आजकल के जो चिल्ड्रन से उनको ये सब चीज़ करना नहीं आता। उसके जो पापा हैं, उस छोटी सी लड़की के जो पापा हैं, वो उसे सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लाउडली यानी तेज आवाज़ में पढ़ के सुनाते हैं बिकॉज शी कैन नॉट हियर प्रॉपरली। सो उसके पापा उसको लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं। बट उसकी नानी जो है उससे बहुत प्यार करती है। सेकंड जो वो बताती है उसके रवि भैया जो उसी के घर में उसके साथ रहते हैं, बट वो उसको रवि भैया कहते हैं, लेकिन रवि भैया उसके पेरेंट्स को भैया और भाभी कहते हैं। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट है रवि भैया को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में देखते हैं अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनके कुछ स्टूडेंट घर पर आते हैं स्टडी करने, किससे? रवि भैया से। रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। रवि भैया बहुत रुचि लेते हैं बच्चों। रवि भैया जो है वो म्यूजिक सुनते हैं और पार्ट मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? प्ले में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पर्सन देख नहीं सकता वो प्ले में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? यस, उनका बहुत इंटरेस्ट था कि वो प्ले में पार्टिसिपेट करें और वो करते थे, कोई ना कोई रोल वो ज़रूर प्ले करते थे। ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विद देम। उन्हें बातें करना, अपने फ्रेंड्स से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, इंजॉय करते थे वो, और उनके साथ वो बाहर भी जाते थे घूमने। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स अस ऑल लाफ। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और हमेशा हम लोगों को हंसाते रहते थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। थोड़ा दिखा दे बच्चों को। स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज वाइट स्टिक एंड दिस इज द स्टिक। द पर्सन हु कैन नॉट सी दे कैन यूज दिस स्टिक टू वॉक लाइक दिस। ठीक इसी प्रकार का स्टिक रवि भैया यूज करते हैं जब वो बाहर जाते हैं या चलने के लिए वॉक करने के लिए इस स्टिक का वो हेल्प लेते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। जब वो चलते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो नहीं देख सकते जब वो घर के अंदर चलते हैं तो। He likes to do all his work himself. उन्हें अपना काम खुद करना पसंद है। If someone try to help him against his wish, he gets angry. अगर कोई उनके मर्जी के मुताबिक उनके मर्जी के खिलाफ अगर कुछ करे उनकी हेल्प करे तो वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help He asks for it. जब भी उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो बोलते हैं कि मुझे इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है और कोई उनकी हेल्प कर देता है, राइट? सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन ए टेप।
भैया के कुछ स्टूडेंट उनसे बुक ले जाते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करके टेप में, आप इमेजिन कर सकते हैं बेटा टेप में क्या होता है। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत सारे ऑडियो बुक्स पड़ी है, बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक्स का वेबसाइट होता है जहाँ से आप ऑडियो में बुक्स को सुन सकते हो। बट जब ये स्टोरी लिखी गई उस टाइम में ऐसा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था। उस टाइम में जो भैया यानी रवि भैया का जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी कैसे हेल्प करते थे, उनकी बुक ले जाते थे और टेप में एक टेप रिकॉर्डर आता था। अगर आपके घर में कोई पुराना टेप रिकॉर्डर हो और आपके पेरेंट्स उसे दिखा पाएँ तो आप ज़रूर पता कीजिएगा कि टेप रिकॉर्डर क्या होता था, उसमें कैसेट डल के और आप उसमें अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते थे। ऐसा ही उनके स्टूडेंट उनके लिए बुक्स को ऑडियो में रिकॉर्ड करके उन्हें दे देते थे। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स और रवि भैया वो जो टेप वो लोग रिकॉर्ड करके देते थे उसे वो सुनते थे। भैया हैज़ मैनी अदर्स बुक टू, भैया के पास और भी कुछ किताबें थी। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ राइज्ड पॉइंट्स डॉट्स। ये जो भैया की बुक्स थी ना वो थोड़ी अलग थी। कैसी थी? उसके जो पेज थे वो थिक थे, मोटे मोटे पेज थे और उन पे लाइनें थी डॉट्स की, बहुत सारे डॉट्स होते थे और वो थोड़ी डिफरेंट थी। बेटा आपको मैं ये बता दूं, जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ होता है, ब्रेल जो वर्ड्स होते हैं उसका यूज़ होता है और वो क्या होता है वो प्रिंटेड नहीं होता। जैसे हम लोगों की बुक है ये प्रिंटेड है, आप लोग इसके वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। बट जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो टच करके डॉट्स को काउंट करके वो अपनी रीडिंग करते हैं। ओके, ये कौन सा स्क्रिप्ट होता है? ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं बेटा उसको। और ब्रेल की जो बुक्स होती है आपको अगर कहीं आसपास अवेलेबल हो पाए तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेट से भी उसको निकाल के देख सकते हैं कि ब्रेल बुक्स किस तरह की होती है ताकि आप इसको क्लियर कर सको। इट मीन्स कि उसमें लिखावट नहीं होता है, प्रिंटेड नहीं होता, डॉटेड होता है। He reads by running his finger on the raised dots. वो क्या करते हैं उस बुक को कैसे पढ़ते हैं, उस जो डॉट्स होते हैं उसके ऊपर अपने फिंगर को ऐसे चला के टच करके उसको फिर वो रीड करते हैं। To tease भैया I sometimes change the place of his stick. भैया को परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कई बार मैं क्या करती हूँ उसके स्टिक को उसके जगह से किसी दूसरे जगह पे, उसका जो प्लेस है उसको चेंज कर देती हूँ ताकि भैया उसे ढूंढ ना सके। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो परेशान तो होते हैं, उदास तो हो जाते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। जब मैं उनका स्टिक यहाँ वहाँ छुपा देती हूँ तो नाराज तो होते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आखिरकार मैं उसकी फेवरेट सिस्टर जो हूँ, ये कौन है? शी इज सीमा। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी हैप्पी टुडे। जैसे ही मैं उनके दरवाजे तक पहुंचती हूँ वो बोलते हैं सीमा आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। भैया रिकग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचान लेते बाकी फैमिली मेंबर्स को भी वो पहचान लेते हैं, किससे? हमारे साउंड से। जब हम इधर से उधर मूव करते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि कौन है ये। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो इतना तक बता देते हैं कि क्या मैं खुश हूँ या नाराज हूँ, वो ये भी बता देते हैं। यहाँ देखिए ये छोटी सी गर्ल जो है सीमा वो क्या कहती है अपने भैया को, भैया आई एम फाइनली इन द फुटबॉल टीम। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर माई न्यूज विद हिम। ये जो छोटी सी लड़की सीमा है वो क्या बताती है, भैया फाइनली मेरा जो है फुटबॉल टीम में मेरा नाम आ गया और मैं फुटबॉल टीम में हूँ और ये न्यूज़ मैंने अपने भैया को बता दिया।
ही पेटेड मी एंड सैड लविंगली फ्रॉम टूडे यू आर माई फुटबॉल कोच। जब मैंने भैया को बताया, वो कहते हैं कि मैंने जब भैया को बताया कि मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बहुत प्यार से कहा कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। यानी अब भैया भी फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं और वो उसको सीमा को अपना कोच बनाना चाह रहे हैं। सो माई डियर लिटिल स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक। आपने इसमें सीमा की फीलिंग्स को देखा, उसने किस किस के साथ यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। आप भी अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और आपके जो बहुत आपसे जो लविंग पर्सन है वो, उनसे आप अपना फीलिंग शेयर करें, ज़रूर करें, अपनी बात उन्हें बताएं, अपने जो आपके व्यूज़ हैं या आप उदास हो, आप खुश हो, ये सब चीज़ें शेयर की जाती है बेटा। आप ज़रूर शेयर कीजिए इस चैप्टर को। सिर्फ एक चैप्टर नहीं समझना है, इसे एक पार्ट समझना है अपनी लाइफ का, और इससे बहुत सारी जो है लेसन हमें लेना चाहिए अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ जो पर्सन कहीं ना कहीं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आपने इसमें देखा होगा, ऐसे पर्सन का आप ज़रूर हेल्प करें, आपको बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।